रसूल पाक की ये शान है कि अल्लाह ने उन्हें नबियों का इमाम बनाया है। और बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर रूटीन में तो बैठते थे, जुम्मे का खुतबा देने के लिए तो मिंबर पे आते थे, ईदीन का खुतबा देने के लिए तो आते थे, पर बाकी सहाबा के अंदर मिलजुल के बैठते थे, मिलजुल के। एक जिहाद था, सहाबा कहते हैं वापिस आ रहे थे तो रस्ते में रुके, खाना खाने का इरादा बना, तो जाहिर है खाने होटलों से तो मिलते नहीं थे, पकाने ही पड़ते थे। तो खाने की तैयारी होने लगी तो कुछ लोगों ने कहा कि हम गोश्त साफ़ करते हैं, गोश्त बनाते हैं, कुछ ने कहा कि बर्तन मैं साफ़ करके अहतमाम करता हूँ, किसी ने कहा कि मैं बाद में बांटने का तकसीम करने की ड्यूटी लेता हूँ। सब ड्यूटियाँ ले रहे थे तो हुजूर भी बोले, फरमाया तुमने अपने अपने जिम्मे काम ले लिए हैं, मैं इस तरह करूँगा लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाऊँगा ताकि आग जला के रोटी पकाई जा सके। सहाबा कहने लगे फिदा का रूही व कल भी, सुने दिल भी कुर्बान, जान भी कुर्बान, फिदा का अभी व उम्मी, माँ भी कुर्बान, बाप भी कुर्बान, हम जो हाजिर हैं ये काम करने के लिए। तो हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे मुमताज नहीं होना चाहता, मिलजुल के रहना चाहता हूँ तुम्हारे बीच। आप जब लोगों के बीच वक्त गुजारते हैं तो तभी तो उनके दुख सुख का आपको पता चलता है, और जब आप अपना लेवल हाई करके ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आम आदमी किस तकलीफ में मुबतला है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा क्या हुजूर से बात करते हैं, हुजूर तो नबियों के इमाम हैं, लेकिन सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने लोगों के बीच रह के लोगों के साथ आला नेकी करने का पैगाम दिया।